इस वक्त हम दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर हैं और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की सरकार अब की बार उनको चाहिए। जैसे केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार की बात कर लेते हैं तो भाजपा का नारा है कि अब की बार चार सुपार। मोदी जी कहते हैं, अमित शाह जी कहते हैं कि अब की बार चार सुपार। तो चार सुपार को देखना होगा, क्या जनता उस चार सुपार के बारे में क्या कहती है। सबसे पहले आप ये बताइए अपने नाम के साथ कि कौन सी सरकार अच्छी है और क्या बीजेपी का जो नारा है अब की बार चार सुपार वो पूरा हो पाएगा। मुझे नहीं लगता कि अब की बार जो ये इनका झूठा जुमला है 400 पार मोदी पार नहीं चलेगा अब की बार। क्या कहना चाहेंगे दूसरी सरकारों के बारे में, किसकी सरकार अच्छी? सरकार तो सर कोई भी आ जाए, सबको अपना वो देखना होता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं है। अब जैसे बीजेपी आई, उससे पहले कांग्रेस थी, बीजेपी आई तो उन्होंने सिर्फ मोदी जी ने जो भी कहा कि भाई अब की बार हम 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, ये झूठा, बिल्कुल झूठा वादा निकला। काला धन आएगा वो भी नहीं आ पाया। हर एक आदमी परेशान है अपनी फैमिली आईडी को लेकर, अपने राशन कार्ड को लेकर, अपने बीपीएल कार्ड को लेकर, कोई भी कार्य पूरा संपूर्ण तरीके से नहीं हो पा रहा। तो अब की बार आप बीजेपी सरकार नहीं चाहते? नहीं चाहते। चलिए मैडम, आप क्या कहेंगी, जिस तरह से चुनाव का मौसम है अभी, तो कौन सी सरकार अच्छी है? 400 पार का नारा जो बड़े लोग देते हैं उद्योगपतियों के लिए भी और सरकार के लिए भी, क्या वो पूरा हो पाएगा? जी पूरा होना तो चाहिए कि भाई मोदी सरकार काम तो कर ही रही है देश के लिए और काफ़ी तरक्की भी कर रहे हैं, सब सड़कें जैसे फ्लाईओवर बन रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, दिख रहा है वो। और क्या क्या काम है बीजेपी की जिनको आप ये कह सकते हैं कि काम हुए? मेन तो जितने भी फ्लाईओवर थे आगरा साइड में भी और इधर भी सोनीपत साइड में, तो ये सारे काम तो पूरे हुए ही हैं। हम तो चाहते हैं कि भाई काम जो भी अच्छा करे उसी को ही जाना चाहिए वोट। केंद्र में लगातार 10 साल से बीजेपी की सरकार थी, कैसा काम वो लोग कर पाए, क्या वो काम जनता के दिल को छू पाया? जनता के लिए तो काम कर ही रहे हैं मोदी जी तो, बाकी ये है कि 400 पार भी होगा, होना चाहिए। अगर वो उनको देश को आगे बढ़ाना तो उसको तो वोट देनी पड़ेगी ना आपको। मोदी राज का सबसे बड़ा काम कौन सा मानते हैं? मोदी राज का 370 धारा जो टेम्परेरी थी, 70 सालों से टेम्परेरी चल रही थी, टेम्परेरी धारा चला रहे 70 साल से चला रहे, तो इसका कोई औचित्य नहीं था चलाने का, पहली बात तो। और दूसरा ये कि देश हित में लोग काम कर रहे हैं सारे, कौन सा काम इन्होंने ऐसा किया कि जिसमें देश हित नहीं है? हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं, सड़कें सारी ठीक कर दी हैं, और राम मंदिर का मुद्दा था वो ख़त्म कर दिया उन्होंने। 500 साल से केस चल रहा है, आप उसको घसीटे जा रहे हो, ये इन्होंने करके दिखाया। और अभी भी जो अब तो उनकी जिनको ज़रूरत है इस वक्त, तो लोगों को ज़रूरत है उसकी कि अभी इनकी सरकार आनी चाहिए तभी देश तरक्की करेगा। अब पूरे संसार के अंदर देश का नाम किया हुआ उन्होंने, एक पावर बन के उभर रहे हैं, तो ये काम कर रहे हैं तभी तो उभर रहे ना, ऐसे थोड़ी हो जाएगा कि भाई जुमलेबाजी क्या होती है, कौन सी जुमलेबाजी, कोई जुमलेबाजी नहीं होती। पंद्रह लाख का उन्होंने ये कहा था उन्होंने, मैंने सुना था 2014 से पहले जो इलेक्शन थे उससे पहले, मैंने खुद अपने कानों से सुना था, देखा था टीवी पे, उन्होंने कहा था कि इतना पैसा बाहर के लोगों बैंकों में, स्विस बैंकों में इतना पैसा पड़ा हुआ है कि अगर वो सारा वापस आ जाता है तो वो 15 लाख रुपए हर इंडियंस के एक अकाउंट में आ जाएगा, ये उन्होंने कहा था। अब वो तो लोग अच्छे से इसको समझ नहीं पाए, समझ क्या पाए, तो जो भी है सामने आपके, अब जो काम करता है उसमें गलतियां भी तो होती है ना। अब ये जो चोर मसेरे भाई सारे इकट्ठे हुए पड़े हैं, सबकी फाइलें खुली हुई हैं। अब मोदी जी ने कहा था कि तो तुम ये करप्शन करो या शराब घोटाले में पैसे खा जाओ, उससे पैसे खा जाओ, मोदी जी ने सिखाया था किसी को? अब सारे करप्ट लोग इकट्ठे हो गए हैं, अब वो इंडिया के नाम से नारा लगा रहे हैं, कुछ भी नहीं होना उनका, जमाना जब्त होगी 90% की। तो ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग की लगातार बातें सामने आई हैं, जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं वो अक्सर कहते रहते हैं कि ऐसा हुआ है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, मोदी सरकार ने काम तो बहुत अच्छे किए, इसमें कोई शक नहीं है। आपका जो ईडी और इसका जो विषय बता रहे हैं वो मैं समझता हूँ, इस संवाद ना होने के कारण कई सारे कंफ्यूजन हो रहे हैं अभी जनता में। अब क्योंकि भ्रमित हो जाते हैं लोग बड़ी जल्दी,
कि भाई ईडी वाले इस तरह से कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जवाब नहीं आते कि वो। और कई एक बड़ा जो कारण है वो ये कि आप तो पत्रकार हैं, जानते हैं कि मोदी जी ने पिछले 10 सालों में कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो फैक्ट्स हैं, सरकार अगर अच्छा काम कर रही है तो फैक्ट्स को सामने लाना भी चाहिए। ये संवादहीनता जो है ना, ये भ्रम पैदा कर रही है। बाकी इसमें कोई शक नहीं है कि हम आज आत्मनिर्भर भी हैं। रक्षा के क्षेत्र में हम लोग पूरा डिपेंडेंट थे रशिया, फ्रांस और अमेरिका के ऊपर, लेकिन आज उल्टा होने लगा है कि आज हम इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने जो रक्षा के उपकरण। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात ये कि सड़कों का ऐसा जाल बिछाया है, मैं नहीं समझता पिछले 70 सालों में जो काम हुआ था, और वो पिछले उससे ज्यादा 10 सालों में काम हो गया, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो कई सारी योजनाएं ऐसी चला रखी किसानों के हित में, लाडली बहनों के हित में, जो बड़े मतलब अनुकरणीय है, मैं तो समझता हूँ। तो मुझे तो नहीं लगता कि बीजेपी को अभी कोई हटाने की स्थिति में है। बीजेपी पूरे जोर शोर से आने वाली है और 400 पार होगा। तो क्या आपके हिसाब से फिर से मोदी सरकार सत्ता में वापसी कर रही है? अब की बार शायद मोदी सरकार नहीं आएगी। जैसे जितना भी युवा है सभी बेरोजगार है इस टाइम, और जो अभी मतलब मोदी सरकार ने रोजगार की गारंटी दी थी वो शायद ही पूरी हुई है। एजुकेशन सिस्टम करप्ट हो गया है, क्योंकि अभी पीछे जैसे लॉकडाउन की स्थिति आई थी उस टाइम हमने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे जो भी है अपना ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के थ्रू स्कूल्स के जैसे होमवर्क्स वगैरह है वो आने लगे हैं, और बच्चों का ज़्यादा ध्यान मतलब सोशल साइटों पे ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं, और मतलब एक मतलब अच्छी तरफ नहीं जा रही है युवा। कैसी सरकार आपको चाहिए? हमें बीजेपी सरकार चाहिए सर, क्योंकि इसमें जैसे युवा थे जो पढ़ाई के काबिल थे, इसमें पैसे दे के लग जाते थे, अभी जो पढ़ाई के काबिल थे, जो योग्य थे, उन्हीं को जॉब मिली है। इसमें कोई धांधलीबाजी नहीं चली है, इसलिए बीजेपी को वोट देना चाहिए। लगातार हमने बातचीत की, और लगातार अब बातचीत की भी जा रही है, और लगातार बातचीत में सामने आ रहा है कि जो कुछ भी हो लेकिन मोदी जी का जलवा अभी फिर से चल सकता है, हो सकता है तीसरी बार वो फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लें। हम लगातार विश्लेषण करते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।